नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र के दौरे पर हैं और इस वक्त मुंबई में वो एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। आइए आपको सीधा लिए चलते हैं। देवेंद्र फडणवीस जी, माझा लहान भाऊ उद्धव ठाकरे जी, मंत्रिपरिषद मेरे साथी, इसी धरती के संतान पीयूष गोयल जी, अरविंद सावंत जी, रामदास आठवले जी, सभी विशेष महानुभाव, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, नमस्कार। मुंबई कर गणपति बाप्पा, गणपति बाप्पा। गणेश उत्सवाचा आपणा सर्वांना खूप खूप शुभेच्छा। यहां आने से पहले मुझे पार्ले में लोकमान्य सेवा संघ में गणपति बापा के दर्शन का सौभाग्य मिला। इस वर्ष लोकमान्य सेवा संघ के गणेशोत्सव का शताब्दी वर्ष भी है। लोकमान्य तिलक ने समाज को मजबूत करने के लिए जिस परंपरा का विस्तार किया, आज उसकी गूंज देश विदेश में भी है। हमारे नए गवर्नर श्री यहां आए हैं, श्रीमान कोश्यारी जी। बहुत कम लोगों को मालूम होगा, वे उत्तराखंड के बहुत ही यशस्वी मुख्यमंत्री रहे हैं और इससे भी बड़ी बात जिसका उल्लेख करने में मुझे गर्व महसूस होता है कि जब मैं भारतीय जनता पार्टी के संगठन का कार्य करता था, कभी उत्तराखंड का प्रभारी हुआ करता था, तो उन्हीं के मार्गदर्शन में मैं काम करता था। साथियों, मुंबई और महाराष्ट्र के लोगों की सादगी और स्नेह मुझे हमेशा अभिभूत कर देता है। चुनाव प्रचार के दौरान महाराष्ट्र में यहां के अनेक शहरों में गया, आप लोगों से संवाद किया। मुंबई में तो जो रात में सभा हुई थी उसकी चर्चा कई दिनों तक चली थी। इस स्नेह के लिए, इस आशीर्वाद के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। बनते बिगड़ते मौसम के बीच आज भी आप अपना समय निकालकर इतनी बड़ी तादाद में आकर के इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। ये आपके मिजाज की पहचान है और आपके सपनों का संकेत भी है। साथियों, मैं रशिया में था तब भी मुझे मुंबई का हाल मिल रहा था। मैं कल सुबह ही वहां से लौटा और फिर शाम को बेंगलुरु चला गया।
बेंगलुरु में रात भर इसरो के अपने वैज्ञानिक साथियों के साथ रहा। उन्होंने जो हौसला दिखाया है उसे देख करके मैं बहुत प्रभावित हूं। अपने लक्ष्य के लिए कैसे दिन रात एक कर दिया जाता है, कैसे विपरीत से विपरीत परिस्थिति में भी, बड़ी से बड़ी चुनौती में भी पूरी तन्मयता के साथ कैसे अपने लक्ष्य को प्राप्त किया जाता है, ये इसरो के हमारे वैज्ञानिकों, हमारे इंजीनियरों से हम सब सीख सकते हैं। भाई और बहनों, हमारे शास्त्र एक प्रकार से ज्ञान का भंडार है। भर्तृहरि ने कहा था, प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन निचै, प्रारभ्य विघ्न विहिता विरमन्ति मद्या, विघ्न ही पुनः पुनरपि प्रतिहन्त्यमानः प्रारब्ध मुत्त मुगुणा न परित्यजन्ति। यानी किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करने वाले तीन तरह के लोग होते हैं। सबसे निचले पायदान पर वो लोग होते हैं जो रुकावटों के डर से कभी काम की शुरुआत ही नहीं करते। इसके बाद मध्य स्तर के, और मध्य स्तर पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो काम तो शुरू कर देते हैं लेकिन पहली रुकावट आते ही 9-2-11 हो जाते हैं, भाग जाते हैं। इन दोनों तरह के लोगों से अलग सबसे ऊंचे स्तर पर वो लोग पहुंचते हैं जो लगातार रुकावट के बावजूद, बड़ी से बड़ी चुनौतियों के बावजूद निरंतर प्रयास करते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करके ही दम लेते हैं। साथियों, इसरो और उसके साथ काम करने वाले लोग, ये तीसरी प्रवृत्ति वाले लोग हैं। जब तक लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता वो न रुकते हैं, न थकते हैं, न बैठते हैं। अब मिशन चंद्रयान में एक रुकावट आज हमने देखी है, लेकिन इसरो के वैज्ञानिक तब तक नहीं रुकेंगे जब तक मंजिल पर नहीं पहुंच जाते। चांद पर पहुंचने का सपना पूरा होकर के रहेगा। और साथियों, हमें यह भी याद रखना है कि चंद्रयान के साथ भेजा गया ऑर्बिटर अभी वहीं है, चंद्रमा की परिक्रमा कर रहा है। ये भी एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। मैंने मुंबई के लोगों की स्पिरिट के बारे में बहुत सुना है, देखा है, अनुभव किया है। आज इसरो के लोगों की स्पिरिट देखी और समझी तो मुझे जरूरी लगा कि आपसे भी उन बातों को जरा शेयर करो। भाई और बहनों,
अपने संकल्पों के लिए निरंतर प्रयास, गणेशोत्सव की उमंग और इसी माहौल में आज महाराष्ट्र में हजारों करोड़ रुपए की योजनाओं का श्री गणेश हो रहा है, शुभारंभ हो रहा है। मुंबई के बाद मेरा औरंगाबाद जाने का भी कार्यक्रम है, वहां भी अनेक परियोजनाओं की शुरुआत होगी। मैं विशेषकर मुंबई और उसके सब अर्बन इलाकों में रहने वाले लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का काम आज यहां शुरू हो रहा है। नई मेट्रो लाइन हो, मेट्रो भवन हो, मेट्रो स्टेशन में सुविधाओं का विस्तार हो, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स को ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से जोड़ने का प्रोजेक्ट हो, ये सभी परियोजनाएं मुंबई के इंफ्रास्ट्रक्चर को नया आयाम तो देगी ही, यहां के लोगों के जीवन को आसान बनाने में भी मदद करेगी। बांद्रा कुर्ला को एक्सप्रेस हाईवे से जोड़ने वाला प्रोजेक्ट तो लाखों प्रोफेशनल्स के लिए बहुत बड़ी राहत लेकर के आएगा। बीकेसी तो बिजनेस एक्टिविटी का बहुत बड़ा सेंटर है, अब यहां आना जाना और आसान होगा, कम समय में हो पाएगा और अब तो मिनटों में मुंबई। हर कोई आवाज करता है मिनटों में मुंबई। इन सारी परियोजनाओं के लिए मैं आप सभी को, हर मुंबईकर को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, मुंबई वो शहर है जिसकी गति ने देश को भी गति दी है। यहां के परिश्रमी लोग, यहां के प्रोफेशनल्स, यहां की माताएं, बहनें, युवा, आप सभी लोग इस शहर से प्यार करते हैं, गर्व से कहते हैं मी मुंबईकर। बीते 5 वर्षों में आमची मुंबई के इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने के लिए हमने बहुत ईमानदारी से प्रयास किया है। यहां फडणवीस जी की सरकार ने मुंबई और महाराष्ट्र के एक एक प्रोजेक्ट के लिए कितनी मेहनत की है ये मैं भली भांति जानता हूं। आज इन्हीं सब प्रयासों का ही असर है कि मुंबई में धीरे धीरे बदलाव आने की शुरुआत हुई, और मैं इससे सबसे सकारात्मक पक्ष ये देखता हूं कि वर्तमान के साथ ही भविष्य की जरूरतों, आने वाले दशकों की आवश्यकताओं के हिसाब से अभी से काम किया जा रहा है। भाइयों और बहनों, आज जब देश $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा है, तब हमें अपने शहरों को भी 21वीं सदी की दुनिया के मुताबिक बनाना ही होगा। मोबिलिटी हो, कनेक्टिविटी हो, प्रोडक्टिविटी हो, सस्टेनेबिलिटी हो या फिर सेफ्टी, हर लिहाज से एक बेहतर व्यवस्था हमें तैयार करनी है। इसी सोच के साथ हमारी सरकार अगले 5 साल में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर 100,00,000 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। इस राशि का बहुत बड़ा लाभ
मुंबई के साथ साथ पूरे महाराष्ट्र के तमाम शहरों को भी होने वाला है। साथियों, देश भर में शहरों में मोबिलिटी को, ट्रांसपोर्ट को बेहतर बनाने के लिए हम एक इंटीग्रेटेड सिस्टम पर बल दे रहे हैं। रोड हो, रेल हो, मेट्रो हो, ऐसे हर माध्यम को एक दूसरे से कनेक्ट किया जा रहा है। आज यहां मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन, उसमें बेहतर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम तैयार करने के लिए भी एक विजन डॉक्यूमेंट रिलीज किया गया है। इसमें आने जाने के अलग अलग माध्यमों, जैसे मुंबई लोकल हो, बसों का सिस्टम हो या फिर मेट्रो, इनका कैसे सही उपयोग हो सके, इसका विस्तार से ब्यौरा दिया गया। खास तौर पर मुंबई मेट्रो के लिए मास्टर प्लान इसमें बनाया गया है। भाइयों और बहनों, बीते 5 वर्षों से मुझे मुंबई मेट्रो के विस्तारीकरण से निरंतर जुड़ने का मौका मिलता रहा है। करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए की लागत से मेट्रो नेटवर्क का विस्तार यहां किया जा रहा है। अभी मुंबई में सिर्फ 11 किलोमीटर का मेट्रो नेटवर्क है, लेकिन 2023-24 तब तक ये बढ़कर 325 किलोमीटर से अधिक हो जाएगा। इसका सबसे बड़ा लाभ ये होगा कि आज जितने लोग मुंबई में लोकल रेल से रोज सफर करते हैं, लगभग उतनी ही कैपेसिटी मेट्रो की भी हो जाएगी। लोकल को आधुनिक बनाने के साथ ही मेट्रो के विस्तार का ये कॉम्बिनेशन मुंबई की वर्तमान जरूरतें पूरी करने के साथ ही आने वाले वर्षों के लिए भी तैयार करेगा। साथियों, हम सिर्फ मेट्रो लाइन ही नहीं, सिर्फ उछे ही बिसारा ऐसा नहीं, बल्कि इन लाइनों पर जो मेट्रो दौड़ेगी उसके कोच भी भारत में ही बन रहे हैं। थोड़ी देर पहले ही मैंने मोकअप कोच को देखा है। मेक इन इंडिया के तहत बनने वाले आधुनिक मेट्रो कोच मुंबई मेट्रो को सुरक्षित और सुविधाजनक और किफायती बनाने वाले हैं। भाई और बहनों, इंफ्रास्ट्रक्चर का जितना रिश्ता इकोनॉमी से है, ईज ऑफ लिविंग से है, उतना ही एम्प्लॉयमेंट से भी है। इंफ्रा पर निवेश का मतलब है उतना ही रोजगार के नए अवसर बनना। अगर मैं सिर्फ मुंबई में शुरू हुए मेट्रो के कार्यों की बात करूं तो इससे 10,000 इंजीनियर और 40,000 स्किल्ड और अनस्किल्ड लोगों को रोजगार के मौके मिलेंगे। भाइयों और बहनों, इंफ्रास्ट्रक्चर का जो काम गांवों में हो रहा है, शहरों में हो रहा है, वो स्थानीय स्तर पर जिस तरह एम्प्लॉयमेंट पैदा करता है, छोटे छोटे व्यापारियों के लिए बिजनेस के मौके बनाता है, उसकी बहुत चर्चा लोग करते नहीं है। संभवतः इसकी एक वजह यह भी रही है कि आज जिस स्पीड और स्केल पर काम हो रहा है वो पहले कभी हुआ ही नहीं। इसलिए इस ओर लोगों का ध्यान भी कम होना बहुत स्वाभाविक है। अब जब स्थितियां बदल रही हैं तो ये विषय भी अब चर्चा में आना शुरू होगा। सोचिए, क्या कोई पहले सोच भी सकता था कि बरसों से अटका हुआ नवी मुंबई एयरपोर्ट का काम, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक का काम, मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन का काम इतने व्यापक रूप से शुरू होगा, इतनी तेज गति से आगे बढ़ेगा? ये सारे प्रोजेक्ट मुंबई और आसपास के लोगों के रोजगार के अनेकों नए अवसर दे रहे हैं। भाइयों और बहनों, जब मैं स्पीड और स्केल की बात करता हूं तो मेरे पास इतने उदाहरण होते हैं कि उन्हें गिनाते गिनाते शायद शाम हो जाए।
आज यहां मेट्रो के बड़े प्रोजेक्ट शुरू हुए हैं, तो मैं उसी का उदाहरण आपको देना चाहता हूं। साथियों, हमारे देश में पहली मेट्रो 30-35 साल पहले शुरू हुई थी। इसके बाद 2014 तक कुछ ही बड़े शहरों में मेट्रो चल पाई। आज देश में 27 शहरों में मेट्रो या तो शुरू हो चुकी है या निकट भविष्य में शुरू होने वाली है। आज देश भर में 725 किलोमीटर मेट्रो लाइन ऑपरेशनल है, जिसमें से 400 किलोमीटर की मेट्रो सेवा बीते 5 वर्ष में शुरू हुई है। सोचिए, आधा से ज्यादा मेट्रो लाइन पिछले 5 साल में जुड़ी है और अभी 850 किलोमीटर से अधिक की मेट्रो लाइन पर काम चल रहा है। भाई और बहनों, करीब करीब 600 किलोमीटर की नई मेट्रो लाइनों की स्वीकृति पिछले 5 साल में दे दी गई है। मुंबई हो, पुणे या नागपुर, मेट्रो इनके काम इसी दौरान शुरू हुए। और मैं फडणवीस जी की प्रशंसा करूंगा कि इन परियोजनाओं पर बहुत तेजी से काम किया जा रहा है। भाइयों और बहनों, देश को 21वीं सदी के आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से युक्त करना, देश को तेज गति से आगे बढ़ाने के लिए बहुत आवश्यक है। आज देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को एक होलिस्टिक तरीके से विकसित करने पर काम चल रहा है। टुकड़ों टुकड़ों में नहीं, एक भारत श्रेष्ठ भारत के नजरिए के साथ ही हम आगे बढ़ रहे हैं। वन नेशन वन पावर ग्रिड से लेकर वन नेशन वन मोबिलिटी कार्ड तक, वन नेशन वन टैक्स से लेकर वन नेशन वन नेटवर्क ऑफ ऑप्टिकल फाइबर तक, पूरे देश में हमारी सरकार आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कर रही है। भाई और बहनों, हम सभी का यह दायित्व है कि हमारे बच्चे, हमारी आने वाली पीढ़ियां उस परेशानी में न रहें जिससे हम रहते आए हैं। हम बच्चों को विरासत में परेशानी न दें। हर व्यक्ति के जीवन स्तर में होने वाला सुधार देश की स्थिति में सुधार ला देता है। हमें अपना वर्तमान, अतीत के सपनों को पूरा करने के साथ ही भविष्य की तैयारियों में भी खपाना होगा। देश भविष्य के लिए आज से तैयार होगा, तभी आपके बच्चे सुखी जीवन बिता पाएंगे। आपके आशीर्वाद से नई सरकार बनने के बाद हमारी सरकार ने जो फैसले लिए वो भारतवासियों के भविष्य को मजबूत करेंगे, सुरक्षित करेंगे। साथियों, देश की जनता ने जो जनादेश दिया था उसका सम्मान करते हुए सही दिशा में अनेक महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। इस सरकार को 100 दिन हो रहे हैं और इन 100 दिनों में ही ऐसे ऐसे कार्य हुए हैं जो अभूतपूर्व भी है, ऐतिहासिक भी है। जल जीवन मिशन की शुरुआत हो या फिर देश के हर किसान को किसान सम्मान निधि के दायरे में लाने का फैसला हो, हमारी मुस्लिम बहन बेटियों को 3 तलाक के संकट से मुक्ति दिलाने वाला कानून हो या बच्चों की सुरक्षा से जुड़ा कानून, हर क्षेत्र में बहुत तेजी से काम किया जा रहा है। लेकिन सरकार के इन फैसलों और इन कार्यों के बीच, आपकी सेवा के बीच, मैंने एक और संकल्प लिया है।
ये संकल्प है ज्यादा से ज्यादा लोगों को ज्यादा से ज्यादा अवसरों पर अपने दायित्वों के प्रति सजग करने का। एक भारतीय एक संकल्प, लोकमान्य तिलक जी ने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। आजादी के 75 साल होने वाले हैं, हमारे लिए नया मंत्र है स्वराज्य हम देशवासियों का कर्तव्य है। एक भारतीय एक संकल्प के साथ मैं आपसे प्रार्थना करूंगा, अपना तय किया हुआ संकल्प, एक तो आप संकल्प जरूर करें और जो संकल्प करें देश हित के लिए करें, और संकल्प पूरा करने के विषय में कभी भी पीछे न हटे। आप लोग मुंबई के हित में, महाराष्ट्र के हित में जो संकल्प लेना चाहें वो संकल्प ले सकते हैं। वैसे एक सुझाव मैं आपको अभी ही दे सकता हूं, आप मानेंगे क्या? आवाज थोड़ी धीरी हो गई, मानेंगे? पक्का मानेंगे? पूरा करेंगे? अकेले भी करेंगे, मिलकर के भी करेंगे? साथियों, बप्पा की विदाई के दौरान, बहुत सारा प्लास्टिक और दूसरा वेस्ट हमारे समंदर में चला जाता है। इस बार हमें कोशिश करनी है कि ऐसा सामान जो जल प्रदूषण बढ़ाता है उसको पानी में नहीं बहाएंगे। इतना ही नहीं, विसर्जन के बाद हम अपने अपने स्तर पर समंदर से मीठी नदी सहित पानी के दूसरे स्रोतों को प्लास्टिक मुक्त करने में जुटेंगे। आप ये काम करेंगे? जरा पीछे से आवाज आ जाए, करेंगे? पक्का करेंगे? मुझे पूरा विश्वास है कि आपका यही उत्साह पूरे देश को प्लास्टिक मुक्त करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। एक बार फिर आप सभी को विकास के तमाम प्रोजेक्ट के लिए अनेक अनेक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। उत्सव के समय तमाम व्यस्तताओं के बीच भी आप यहां पधारे, इसके लिए मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूं। जय मुंबई, जय महाराष्ट्र, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।